एक्वास्टार नहीं है क्या? घर आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट, एक्वास्टार। नमस्कार नुसाप्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित, इस वक्त हमें तुसनाबाद तुसनाबाद जूनियर इंजीनियर के ऑफिस के यहाँ पर, और आज यहाँ पर जो है यहाँ के निवासियों ने जो है धरना किया है। देखिए आज तो यहाँ पर जो है पीसफुल धरना हुआ, लेकिन ये धरना एग्रेसिव मूड में भी आ सकता है, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि काफ़ी दिनों से ये जो है पीने के लिए पानी जो है बहुत ही गंदा यहाँ पर सप्लाई हो रहा है, रोड यहाँ पर काफ़ी ख़राब है। लेकिन जहाँ पर हम खड़े हैं, हम आपको बता दें, देखिए यहाँ पर ही जूनियर इंजीनियर जय साहब का ऑफिस है, लेकिन जब भी लोग यहाँ पर आते हैं जय साहब यहाँ पर नहीं रहते। लोगों का ये कहना है कि सिर्फ यहाँ पर जो है DRM स्टाफ ही रहते हैं, तो इसको लेकर यहाँ के प्रधान काफ़ी चिंतित हैं। और यहाँ के प्रधान का नाम है आनंद जी, जैसा यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि वो उन्हें काफ़ी सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब वो जाते हैं कोई हायर ऑफिसर से बात करने यहाँ पर, तो यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो लोग जो है कॉपरेट नहीं करते। तो अब इसी विषय को लेकर जो है हम यहाँ के निवासियों से बात करेंगे, यहाँ पर जितने माताएं हैं बहनें हैं उनसे बात करेंगे, प्रधान जी से बात करेंगे, और आखिर क्या प्रॉब्लम ये लोग फेस कर रहे हैं। इवन हम आपको बता दें अभी यहाँ पर जो है AE साहब भी आएंगे, तो हम कोशिश करेंगे उनसे भी बात करने की, अगर वो डिनाई करते हैं तब भी हम कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहे और सच हम आपको दिखाएंगे। हम ये बोला कि जब 6 बार हम एक जय को फ़ोन करा तो वो फ़ोन नहीं उठाया। हम लोग डिमांड ये था कि सबसे पहला चीज़ तो सर ये देखिए, आपको मालूम है आज हर जगह में आपका टूरिज्म डेवलपमेंट होता है, इसमें PWD का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन हम लोग तुसनाबाद एरिया में ऐसा है कि टूरिज्म डेवलपमेंट का कुछ भी नहीं, एक ही सोर्स है आपका मवाडेरा। मवाडेरा के लिए जब उदित सर था उस समय आनंद मजिंदा CS था, उन लोग पर्सनली उसके ऊपर इंटरेस्ट लेके 2018 में बाकायदा आपका NOC तहसील से लेके आपका DPR वगैरह बनाया था PWD डिपार्टमेंट की तरफ से, वो विजय रत्नम जो आया था उसको दिया हुआ था कंसल्टेंसी के हिसाब से, उसको देखिए 8 करोड़ 70 लाख रुपये का एस्टिमेट बना, बन के 12 रोड गया था यहाँ में CS के पास में टेंडर का टाइम में गया वाला में, उसमें क्या पॉलिटिक्स चला नहीं चला पता नहीं। चीफ सेक्रेटरी वो चेतन सांगी सर था, वो जैसे ही आते साथ में बोला कि तुसनाबाद का मवाडेरा का जो रोड है वो फाइल अलग कर दो, उसमें क्या था हम लोग मालूम नहीं। हम लोग ये सबको डिमांड था कि अगर वो रोड अगर यहाँ बनता है आज आपका मवाडेरा से वंडूर जौली पे रेड स्किन तारमुगरी आपका काली कोना कुरमा 7 बीच जा सकता था, आज मोदी जी के मेहरबानी में कुछ कुछ नौकरी मिला और आगे जा किसी को नौकरी तो मिलेगा नहीं। और ये पुलिस डिपार्टमेंट भी यहाँ खड़ा है, सबका मालूम है शाम होता लड़का लोग दारू पीता गांजा पीता, मतलब उन लोग मतलब काली दिमाग शैतान घर है। हम लोग ये चाहता है कि ये रोड अगर बने तो हम लोग यहाँ में बहुत अच्छा एक डेवलपमेंट होता था। अभी ये मैटर को लेकर हम 2-3 बार जाकर DC मैडम से मिला, DC मैडम मेरा सामने में आपको एक दिन फोन करके बोली कि वो 14 महीने से उसका एस्टिमेट क्यों नहीं बना आप थोड़ा देखो। उसके बाद में तुरंत दूसरा दिन क्या करा यही सर आया था एक टीम वहाँ से किया था, जाने के बाद में आपका फिर हम जब किया हम DC मैडम से जाके बात करते DC मैडम बोला कि यही सर आया था वो उसमें फॉरेस्ट लैंड करके कुछ बताया करके। हम आपसे सर एक ही मेरा एक सवाल है, जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट NOC 4-4 NOC जब दिया है तो उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करके आप कौन सा अथॉरिटी के सबसे बोले सर? NOC हमको वोट में दे देना था क्या क्या NOC? नहीं नहीं पहला बात देखिए NOC देने दे, ये NOC आपके पास है बात क्या है प्लीज प्रेस में कोई बात नहीं। NOC आपके पास है, आपके पास में NOC नहीं होता तो DPR आप लोग कैसा बनाता बताइए? DPR हम नहीं बनाया। नहीं नहीं आपका जो है आपका डिपार्टमेंट कोई बनाया ना, अभी आ जाए काला और एक साल बाद में आप रिटायरमेंट हो जाएगा। आप देखो 4 साल पहले क्या बना ये तो हमको भी मालूम नहीं है। अभी क्या हुआ DC मैडम हमको पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा था, मेरे सामने आपको फोन करके बोले पर्सनली रिक्वेस्ट किया था, पर्सनली मैं उनको रिपोर्ट दिया, ठीक है ना रिपोर्ट दिया। बाकी दूसरा रहा सवाल आपका रोड DPR का जो भी है, अगर आप एस्टिमेट फॉरेस्ट लैंड नहीं है तो आप हम लोग को लिखित रूप में दे दो, ये NOC दे दो, हम लोग मॉडिफाई कर देगा। लिखित रूप में देने का मेरा अथॉरिटी नहीं है क्योंकि वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है। हाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट दे देगा। आप एक चीज करना था सर, जब आप फॉरेस्ट रेवेन्यू दिया, हम पटवारी से पूछा RI से पूछा तहसीलदार के पास में भी लेटर लेके गया, तहसीलदार ये बोला कि मेरे को PWD डिपार्टमेंट से कोई मेरे से पूछा नहीं कुछ नहीं। और आप हम देखिए आप एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, हम आपको देखो सम्मान करता है आपका इज्जत करता है, लेकिन आप ऑफिशियल रिपोर्ट दिए ही नहीं, लेकिन आप उसे फॉरेस्ट करके नहीं लिख के देना था सर, कैसा आप लिख के दिया? ऑफिशियल रिपोर्ट दिए ही नहीं। बाबू साहब जैसे बाबू बोलता है कि आपका वार्ड मेंबर साथ में आया था, वो बोला वार्ड मेंबर क्या है? उन लोग आया था नहीं, उन लोग आया था, लेकिन ये बात बताइए हम आज ये प्रधान 10 बार एक लेटर देता है कि वो ये फलाना जगह में पाइपलाइन का प्रॉब्लम है, प्रधान को बुला के बुलाने के लिए बोला क्या का? अब वो जो रिपोर्ट था DC का, सुनिए DC का जब बात हुआ था DC मैडम हमको जब बोली तब जो है हम यही को बोला था प्रधान को लेके जाओ, ठीक है ना, आपको बुलाया आप बिजी है नहीं आए, अब जो भी है सुनिए बात वो नहीं है, आपका अगर वो फॉरेस्ट लैंड नहीं है तो कोई इशू नहीं है,
आप एनओसी दे दो, हम लोग मॉडिफाई कर देगा रिपोर्ट को। चीज है ना सर, जब एक बार ये एनओसी इसमें क्या डिपार्टमेंट दे देता, देखो फाइनल तो नहीं हुआ ना, सैंक्शन नहीं हुआ ना, उसमें क्या ना फर्स्ट बार जब डीसी के पास में सर एक नेगेटिव रिस्पांस जब जाता है, नहीं 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 गलत जाते सर, मैडम मेरे को ये बोले कि उसमें ई सर आया था कुछ नेगेटिव है, और उस दिन भी मेरे सामने आपको फोन करी, आप कहीं बिजी था, उसका फोन नहीं उठाया था उस दिन अभी मैडम, नहीं 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 उठाया, मेरे सामने वो व्हाट्सअप कॉल करी थी, हम बैठा भी था, और वो टाइम संजय भी आ गया था, आपका अध्यक्ष भी आ गया था, करी थी, आप कहीं मेडिकल में कुछ बिजी था होगा, नहीं उठाया मैडम, हमको कभी इस बारे में बात नहीं किया था। अभी जो भी है हाँ, ये हमारा एक्शन प्लान में ये रोड आ जाने से, हम लोग जब डीपीआर फिर बनाएगा, अभी 17-18 का डीपीआर तो आप जो बोलता है हमको आइडिया नहीं है, मेरे पास ऑफिशियली कोई रिकॉर्ड आई नहीं है, फाइल ढूंढ लिया ठीक है ना, वो हमको मालूम नहीं ना क्या है, अभी अभी आपका प्रपोजल है, आप ग्राम सभा में ये रोड को रख के पास कराया, जीपीडीपी में डाल दिया, जीपीडीपी में डाल दिया, रखा है पीएमजीएस में है, तो उसका बरा बकायदा उसका मैपिंग होगा, सर्वे होगा, डीपीआर बनेगा, काम भी होएगा, है ना, तो पीएम जैसे थ्री जब चालू होगा होगा, तो इसमें क्या करना है। और सेकंड चीज सर, अभी पिछला बार बरसात इतना पानी का प्रॉब्लम था, पूरा ड्राई सीजन हो गया था, उस समय सीएस की कमेटी बनाया था कि सारा जहाँ भी सोर्स है पानी के करना करके, तो हम लोग हमें एक चाचा कहाँ है वो बिना कोई एक रुपया लिए जमीन दिया, सुनिए जमीन लिया लेकिन 90 लाख रुपए टेंडर हो के बोलते नहीं है वो ठेकेदार को बोलना, लेकिन आज वो ठेकेदार यहाँ में आया था, उससे पूछा तो वो देखिए ये टेक्निकली हमको तो मालूम नहीं है, वो ये बोला कि मेरे को जितना भी एस्टिमेट का जो क्वांटिटी दिया था हम कर दिया, लेकिन 900 मीटर उसमें कम है, तो वो हम लोग उससे मतलब नहीं है, बाद में वो तो देखा जाएगा। लेकिन सर एक बात है, आनंद जी प्रधान जी एक बात हमको बोलिए, ये जो मामला है 900 मीटर कम है ना, वो आपका ड्यू, वो आपका सिर दर्द है, उससे मेरा मतलब नहीं है, मेरा बोलने मतलब ना पाइपलाइन बिछा के अभी कम से कम महीना भर हो गया, कितना चाचा कब कब बिछाया पाइपलाइन, एक महीना ऊपर हो गया, लेकिन सारा जगह काम चलता है, चालू हो गया ना सर, आज एक कॉन्ट्रेक्टर बोलता भैया काम करो कल से स्टार्ट कर देगा, इसका मतलब, और एक सप्ताह से नहीं, एक सप्ताह से हम आपको भी बोलता, आप क्या बोलता है हम कॉन्ट्रेक्टर साथ मीटिंग करना है, जब वर्क ऑर्डर दे दिया सब कुछ अवार्ड कर दिया, क्यों मीटिंग करना, सुनिए प्रधान जी वो काम हो जाएगा, वो काम टेंडर हो चुका है, कॉन्ट्रेक्टर को अवार्ड होकर दिया है, क्वारी इशू की वजह से कुछ दिन से शुरू नहीं हुआ, अब शुरू हो जाएगा, कल परसों शुरू हो जाएगा सर, हम लोग यहाँ में कल सिंगल एक रोड था एसएफए का 90 लाख का, जो आप लोग मेहरबानी में उसका एस्टिमेट सब बना के ये करा, अभी वो देखिए वो आबड़ीपुर के अंदर में वो ऐसा एकदम नहीं वो बनाया अभी देखा, अभी आप लोग जगह हम लोग नहीं बनाया, आपको नहीं नहीं हम लोग बनाया, हम लोग पीआरआई बनाया, मेरा जो विश्वास प्रदीप विश्वास जय था उसके टाइम बना वाला है, तो अभी उसका टेंडर भी हो गया, वो क्या कह रहा है बीच में 4-5 दिन पहले कॉन्ट्रेक्टर आके कह रहा है वो थोड़ा कूद कर छोड़ के चले गए, वो पूरा चढ़ाई है, अभी देखिए वो चाचा लोग वहीं से आता है, वो सारा पत्थर आके एक जगह जमा हो गया, अगर टू व्हीलर गिरता है आप भी गए थे तो पूरा उसमें स्कैरिफाइंग करके रोलिंग किया, ऐसा है बात क्या है, देखो कुछ आपको फल चाहिए तो कुछ तो सबर करना पड़ेगा, वो 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 वो, वो सारा रोड उसका बस 29 रोड है, बीएमबीएस एक ही दिन में प्लांट चालू करेगा, आपका हफ्ता भर में सारा रोड कंप्लीट कर देगा, रोड कैसे देखिए हमको ठीक है ना, तो उतना दिन तो आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, रोड हो जाएगा हो जाएगा, आपको एसएफए का रोड मार्च के अंदर में हम कंप्लीट कर देंगे, हम कर देंगे कर देंगे, यहाँ में देखिए इस साल आप लोग भी ऑर्डर किया था कि जब बरसात शुरू हो गया था अल्टरनेट डेज पानी देने का, लेकिन मेरा टोसाबाद में आज तक मतलब अल्टरनेट दिन एक दिन भी पानी नहीं दिया, उसमें हम लोग भी आप लोग कॉपरेट करा कि भैया हम लोग एक दिन छोड़ के एक दिन पानी नहीं मांगता, लेकिन 2 दिन बाद में जब पानी देता तो तरीका से दो करके नहीं हम लोग अभी तो 4 दिन का बाद में मिल रहा है, कहाँ जाके लेगा, हम लोग बूढ़ा आदमी 3 दिन का बाद में एक बूंद पानी देता है, वो भी इतना स्लो स्लो खोलता खोलने वाला, और नीचे डाल डाल के बुढ़ापा उठा के भर सकते हैं, बहुत पानी मांगता सर, पानी का तो बहुत प्रॉब्लम होता है, एक महीना हो गया दो दिन बाद पानी, ये देखिए पानी पानी देखिए ये पानी इंसान भी था कि जानवर पीने वाला पानी, हम लोग आप लोग पिएगा आप लोग सर, नहीं नहीं सर क्या सर पब्लिक को ये पानी पिलाया जाएगा सर, नहीं पिला रहा हम ये पानी,
अब हमारा सामने में जब पानी का टेस्ट होगा ना सर, एक सर एक सवाल है, अगर अगर सर किसी को कुछ होता है रिस्क कौन लेगा? ऐसा नहीं, पानी हम सप्लाई कर रहा है कहीं से पकड़ के, तो फिर ये लोग क्या सर अपना घर से लेकर आ रहे हैं? नहीं बोल रहे, नहीं मतलब आप लोग अपना जो है घर से ये मतलब बनाकर लेकर आ रहे हैं, पाइप में नहीं आ रही है? नहीं सर तो डिनाई कर रहे हैं ना, कल या परसों पानी देगा सर को, आप खुद आइए, कल या परसों पानी देगा, आप खुद आपको इसी तरह पानी दिखाएगा, जब लाइन में सप्लाई आएगा उसी समय दिखाएगा आपको। और पानी खोलने वाला को बोलता है, पब्लिक झूठ बोलता है, तो यहाँ में पाइप रिपेयर करे, वो जो मट्टी देखिए एकदम लाल होके पड़ा हुआ है, क्योंकि जब इतना गंदा है तभी तो उधर लाल हुआ है, मट्टी लाल हुआ बोलने का मतलब क्या है, कीचड़ ही आता है। अगर आपको विश्वास नहीं है ये पानी का बारे में हकीकत जानना है, तो आप सीधा अपना पीएससी तुष्णाबाद के डॉक्टर से आप कंसल्ट कर लीजिए कि पेशेंट किस तरह का पेशेंट आ रहा है, स्किन डिजीज का पेशेंट कितना है, और कितना जन को पेट का प्रॉब्लम, डायरिया या कितना प्रॉब्लम है, आप यहाँ के जो डॉक्टर है उनसे कंसल्ट कर लीजिए, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जरूरी नहीं है ये पानी देख के यहाँ पर फैसला लेना, आप उनसे कर लीजिए, उनका पास तो सारा रिपोर्ट है। सर सर ये पानी का तो लैब टेस्ट तो सर कराना ही चाहिए। नहीं करवा दे, हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, और मांगता है तो इस बार हम लोग दूसरा आईसीएमआर लैब में भी करवा लेंगे। दूसरी चीज पानी, अगर दो दिन हम लोग का पानी नहीं आएगा उसका हिसाब से आदमी पकड़ के रखता है, पानी अरेंजमेंट करके रखता है, उसका बाद में तीन दिन चार दिन का बाद पानी नहीं आए तो उसके लिए प्रॉब्लम होता है ना, नहीं वो प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए क्या करना। समर के लिए अभी क्या है कि पीक समर शुरू हो रहा है ना, हाँ अभी एक पंप खराब हो जाने से मेरा बात सुनिए, वो चौथा दिन किसी एक को एक, एक, एक एरिया में हुआ होगा, हर एरिया में चौथा दिन नहीं होता है, नहीं, नहीं। हो रहा है कि एक जगह जब बंद हो जाता है तो हो रहा है, इधर में हो रहा है सर, आदमी दो दिन का अरेंजमेंट करके रख देता है। आज तक हमको नहीं बोला ना, अभी बोला है समाधान कर देंगे, पहले भी हम बोला था। सुनिए बोलिए, जो है ना पानी चार दिन के बाद देता है लेकिन पीने का पानी इंसान को सही तरीके से नहीं मिलता है, और जब जय लोग को बोले तो जय बोलेगा कि हम क्या करेगा पानी नहीं है, जब पानी पैप खोलने वाले को बोलते हैं तो वो बोलता है, जय से पूछिए, जय जब बोलेगा खोलने के लिए तभी हम पानी खोलेगा। तो आप ये बताइए ना, इस वक्त हम लोग जो है जूनियर इंजीनियर जय के ऑफिस के सामने खड़े हैं, तो वो आप लोगों से बात करते हैं? नहीं जय रहता ही नहीं है, जय बाबू आके बैठते नहीं बैठते, नहीं ये तो उनका ऑफिस है ना। हाँ ऑफिस है लेकिन नहीं बैठता है जाई, नहीं आता बाबू, आते ही नहीं, कभी भी नहीं मिलता हम लोगों को। मतलब आप लोग का कुछ भी ग्रीवियंस या कुछ भी कंप्लेन वगैरह कुछ भी होता है तो आप लोग करने में दिक्कतें होती है? हम ऑन राइटिंग लिख के दिया था कुछ चीज, वो चीज का आज तक का सॉल्व हुआ ही नहीं है, एक साल का ऊपर हो गया, ऑन राइटिंग में लिख के दिया था कि मेरा जो लाइनमैन है वो लाइनमैन की वजह से जो है डिस्टर्बेंस होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है करके, उसमें कभी भी क्रिमिनल ऑफेंस हो सकता है, या तो हम गुस्सा में कुछ कर सकते हैं या तो बाताबूती लड़ाई झगड़ा हो सकता करके दिया था। बाबू को खुद मेरा घर में आके सब चेक करा, सब कुछ करा, उसका बावजूद भी ऑन राइटिंग वर्क को इन लोग एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वर्बली का कोई वैल्यू है? मतलब जय को देख के करीबन कितने साल हो चुके हैं ये बताइए? हम एक साल पहले देखा था और आज देखते हैं। प्रॉब्लम है अभी साइड ऑफिस है, अभी कृष्णाबाद का साइड ऑफिस जय ऑफिस ही है, तो पब्लिक आगे जय से बात करेगा ना, जय तो मिलना चाहिए, महीना महीना तो आता ही नहीं, जो चार DRM स्टाफ लोग हैं उन लोग बैठे रहते हैं, उन लोग से क्या बात करेंगे? मतलब आपके कहना है कि जो यहाँ पर जूनियर इंजीनियर का जो ऑफिस है यहाँ पर जो है जेई जूनियर इंजीनियर जो है यहाँ पर बैठते ही नहीं है, जो DRM स्टाफ है वो बैठते हैं, वही लोग रहते हैं, उसी लोग से पूछने से तो उस लोग से क्या बात करेंगे? आपको बताया तो इस वक्त जो आपको एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, आपको CS साहब देख रहे हैं, आपको LG साहब देख रहे हैं, तो आप उनसे कुछ मांग कीजिए ना। देखिए इतना जो देखिए एक रिमोट एरिया ही है, ये सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पर आप लोगों को पानी की समस्या हैं, काफी समस्याएं हैं, लेकिन उन सबको लेकर जो है आपको सुझाव देने के लिए ये बनाया गया है यहाँ पर जूनियर इंजीनियर ऑफिस। लेकिन जैसा अभी हमारे माताएं हमारे बहनें ये कह रहे हैं कि करीबन एक साल हो चुका है उन्हें देखकर, तो मतलब वो ऑफिस आते ही नहीं है कभी भी ऑफिस में। आखिर आप लोग जाएंगे तो जाए कहाँ? जाएगी तो जाएगा कहाँ? अभी यहाँ से वही बोला नहीं, DRM स्टाफ लोग जो भी है उन लोग से आके पूछने से
आज ये प्रॉब्लम कल वो प्रॉब्लम, यही सर वो साइड ऑफिस में बैठा, यहाँ बैठा, वहाँ बैठा, वही बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से आप मांग कीजिए ना, जब देखिए जब इतना उच्च दर्जा एक आदमी को दिया गया है, वो अपना जो है दर्जा संभाल नहीं रहे, तो उसका तो तबादला होना चाहिए। होते हैं लेकिन जय लोग ऐसे कोई बात नहीं उठाते पब्लिक के लिए, रिएक्शन नहीं लेते बिल्कुल। अभी जो पानी दिखाया गया था, अभी जैसा पानी दिखाया गया था, आपको बताइए वो पानी के पीने लायक, इतना गंदा पानी है वो यहाँ का पब्लिक पीते हैं सर, ये पानी हम लोग कैसा पिएगा आप लोग को? अभी किसी किसी घर में रखा है, बच्चा लोग बड़े सब इतना बीमार हो रहे हैं, बोलो मेरी जो अभी तो ऐसा हालत है सर कि हम लोग को पीने का पानी तो मिलता नहीं है बिल्कुल भी, और ना नहाने का होता है, 7 दिन का बाद पानी देता है, पानी हम लोग के पास में नहीं रहता है। अभी हम लोग जैसे यही गुजारिश करते हैं कि हम लोग को 2 दिन का बाद में अच्छा तरीके से पानी दिया जाए। और आज जो आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आखिर कहीं ना कहीं थक हार कर जो है आप लोग आज यहाँ पर रोड पे उतरे हैं, रोड पर उतरे यहाँ थक के कंप्लेन दिए ना सर, जेई को कंप्लेन देने के लिए आते हैं तो यहाँ स्टाफ मिलता है लेकिन जेई सर तो मिलते नहीं है, प्रारगंज में रहते हैं, तो अब मजबूर हो के क्या करेंगे, प्रधान के पास गए, प्रधान को रिक्वेस्ट करें कि सर हम लोग का प्रॉब्लम ये है, तो फिर प्रधान का साथ में इधर आके थोड़ा सा प्रोटेस्ट करें। देखिए मैं मुझे तो इतना नहीं पता, क्योंकि जहाँ तक देख कर लग रहा है कि प्रधान साहब जो है वो आप लोगों के समर्थन में आपका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बात निकल कर यहाँ पर आती है कि प्रधान साहब का भी जो है ये हायर ऑफिसर जो है वो सुन नहीं रहे हैं। जी सर, यहाँ पर बिल्कुल भी एक्टिव होकर कोई चीज़ का डिसीजन लेवल तो आता ही नहीं है, यहाँ हमेशा इस तरह ग्राम सभा में भी बोलते हैं, सब जगह में बोलते हैं, पब्लिक जाते भी है, अपना इशू बताते हैं, ठीक है एक सप्ताह में ठीक हो जाएगा बोलते हैं, लेकिन पिछले 10 साल से हम देखते हैं कि ये चीज़ ऐसे के ऐसे ही है, जैसी धूप चालू होगा पानी का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, हर दूसरा तीसरा दिन में पंप खराब है या पंप फट गया। 2 दिन में एक बार देंगे, बारिश का डेवी एक दिन छोड़ के एक दिन पहले देता था, वो भी खत्म कर दिया, अभी जैसा पानी बंद हुआ 3 दिन में एक बार देता, वो भी कभी टाइम 15 मिनट 20 मिनट, अभी 4 दिन में दिया जाता है पानी, तो इसके लिए तो फिर जनता का जब वोट देते हैं प्रधान साहब तो एक बात बताइए। देखिए आप एक बात बताइए, अभी आप लोग यहाँ पर है, अगर कुछ दिनों के अंदर जो है ये मसला सॉल्व ही हुआ तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग एक ही काम करेंगे, पंचायत के साथ मिलकर चक्का जाम करेंगे, डीसी मैडम से एटीआर जो जाम कर देंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम यही आप लोगों का लास्ट ऑप्शन है। अभी आज तो हम ठंडे से हम लोग अपना मांग को मंगवाने के लिए सारे घर वाले कुछ घर वाले निकले, लेकिन अगर ये काम हम लोग का अभी इसका कोई रास्ता नहीं निकलता है तो हम लोग चक्का जाम करेंगे एटीआर रोड में, तब जाके एटीआर जाम करेंगे, नहीं तो नहीं होगा, इनको बात सुनेगा नहीं सुनेंगे। और इतना झूठ मत करते, मोटर खराब है, बम खराब है, एक महीने से खराब है, 3 दिन में 4 दिन पानी का मोटर खराब है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए गवर्नमेंट के पास इतना फंड है कि एक मोटर रिप्लेस वो लोग नहीं कर सकते। मैं आपको और एक बात बता दूँ, अभी VVIP विजिट हुई थी, ठीक है, सारा जगह आप लोगों ने देखा रोड कितना खराब था। जब देखिए हम ये नहीं मानते कि देखिए VVIP हमारे यहाँ पर अपना कार्यकाल में पहली बार आई है, लेकिन उनको दिखाने के लिए रोड को चकाचक किया गया, लेकिन जो चीज कई सालों से खराब है क्या वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन वो चीज को देख नहीं सकता, वो चीज को रिप्लेस करके बना नहीं सकता? सर ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का ही कमजोरी है, अगर वो चाहे तो अंडमान एक बहुत ही छोटा जगह है, देखा जाए तो अंडमान रखे जो एक अंडा की तरह ही है, अगर सही सारा डिपार्टमेंट अपना जगह में एकदम सही काम करेगा तो ये इशू आना ही नहीं चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जब हम लोग सर जो टैप खोलने वाला को हम लोग बोलते हैं कि पानी नहीं आता तो बोलता जय से बात करो, और जय बोलेगा तो खोलेंगे, नहीं तो हम लोग पानी नहीं खोलेगा, धमकी लगाता पानी खोलने वाला धमकी लगाता, हम लोग क्या करेगा ये करेगा, हवा पकड़ता आधा घंटा से हवा पकड़ता पानी। धन्यवाद रोहित जी, आज हमारे ग्राम पंचायत टुसनाबाद के लोग जो यहाँ पर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य है हमारे यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ जो है उसकी कमी है, क्योंकि कुछ रोड की कमी है, और आपको मालूम है हमारा जो एरिया है जो मतलब गांव एरिया, और यहाँ पर जो सोनापट डैम है जो काफ़ी पानी रहता है, तो फिर भी हर साल 2-3 महीना यहाँ पानी का प्रॉब्लम होता है। लास्ट बार हम लोग ने रिक्वेस्ट किया था डिपार्टमेंट से भाई उसका डिसल्टिंग किया जाए, लेकिन उसका डिसल्टिंग तो किया, लेकिन लास्ट वक्त जब बरसात गिरने का टाइम हो गया उस समय डिसल्टिंग किया था, उसके वजह से वो काफ़ी मिट्टी अभी भी है। उसके बाद ऐसा है कि आपका PW डिपार्टमेंट से एक आदेश आया था कि आपका बरसात का मौसम शुरू हो गया, अभी अल्टरनेटिव डेज पानी दिया जाए,
लेकिन उसके बावजूद भी हमारे टुसनाबाद एरिया में आज तक अल्टरनेट डेज पानी नहीं दिया। उसमें हम लोग भी कॉपरेट करें, हम लोग यही बोल रहे हैं कि आप लोग एक दिन छोड़ के एक दिन नहीं देता कोई बात नहीं, दो दिन बाद में पानी दीजिए, लेकिन पर्याप्त मात्रा में पानी दीजिए। वो भी नहीं हुआ। उसके बावजूद बाद में यहाँ में हमारे जो आपको मालूम होगा महुआ डेरा, आज अंडमान निकोबार में सोर्स ऑफ इनकम का दो ही जरिया है, एक आपका टूरिज्म और एक आपका फिशरीज। यहाँ में बच्चे ऐसा है कि पढ़ लिख के बैठे आज कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम लोगों ने 70% जो है ना, जिनका घर है टूरिज्म से ही चल रहे हैं। तो हम लोग, मेरा एक तमन्ना था पिछला 5 साल हमारे जो एक्स प्रधान थी, हम लोग सब एक तमन्ना था कि यहाँ में टूरिज्म कैसा डेवलपमेंट किया जाए। उसके बावजूद हम लोग क्या रहे, जो महुआ डेरा जो बीच है जो हमारे पंचायत के अधीन में आता है, तो उस समय के CS जो DC साहब थे बहुत ही इसमें इनिशिएटिव लिए थे। 2018 में बाकायदा आपका उदित सर और आनंद मजिंदर सर जो थे, 2018 में बाकायदा आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट से NOC दिया गया। उसके बाद में DPR हुआ, उसका एस्टिमेट भी बना था करीब आपका 8 करोड़ 70 लाख, मतलब उसमें आपका टूरिज्म, इको टूरिज्म, रोड सब मिला के। लेकिन किसी कारणवश वो जब एस्टिमेट आपका टेंडर प्रोसेस में गया था, किसी कारणवश वो पॉलिटिकली कुछ इशू था, रुक गया था। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी साल प्रयास करने के बाद में हमारे जो अभी माननीय जो DC मैडम वेदिता मैडम थी, उससे जाके मैंने रिक्वेस्ट करा, तो मैडम ने तुरंत उसी समय हमारे ये सब को आदेश दिया कि 3 दिन के अंदर उसका DPR बनाया जाए। तो दूसरा दिन आपका PWD डिपार्टमेंट यहाँ पर आए थे, हमारे कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट सब गए थे। तो उसमें ऐसा है कि उन लोग आके वहाँ में जो सर्वे करे, क्या कैसा सर्वे करे पता नहीं, उनका एक नेगेटिव सर्वे ये किया कि वो ज़मीन आपका बोल रही कुछ पार्ट जो फॉरेस्ट में पड़ता करके। लेकिन मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जब आपको NOC दिया हुआ है, तो ये जो PWD डिपार्टमेंट का अथॉरिटी कौन दिया है, मतलब इसके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करके बोलेगा? क्योंकि मेरा पास में देखिए 4-4 NOC है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट दिया हुआ। तो हम आपको ये ऑन कैमरा भी दिखाएंगे। ये देखिए 17 दिसंबर 2018, आज करीब 6 साल हो चुका है, इसी का बेस में हमारा DPR बना था। उसके बाद में हम लोग नरेगा से बनाने के लिए 11 जुलाई 2022, उसमें 4 NOC, ये भी आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट दिया था। लेकिन मैं आज आपसे एक सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूँ, जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट अथॉरिटी होता है NOC देने का, तो ये PWD डिपार्टमेंट कैसा बोल सकता है कि वो आपका फॉरेस्ट लैंड है? तो वो एक इशू था, उसकी वजह से हम लोग 2-3 बार ये सर से बात करें, लेकिन उनका नेगेटिव ये था, अभी तो उस पर कुछ नहीं हुआ। और हमारे यहाँ में काफ़ी जगह जो पाइपलाइन है आज STS डिपार्टमेंट की वजह से चल रहा है, कि आपको मालूम होगा बहुत सारी जगह में पाइपलाइन टूटा हुआ है, वो जो STS का जो ट्यूब होता है उससे चल रहा है। तो आज देखिए, आज इंडिया इतना डेवलपमेंट हो चुका है, हर जगह में मतलब विकास होता है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ का पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो। अभी ये जो PPR जो पाइपलाइन बिछाया हुआ है, कुछ कुछ एरिया में बिछाया है, लेकिन हमारे जो मेन एरिया जैसा नया बस्ती बोलता है, अबड़ीपुर एक, टुस्नाबाद 1, 2, 3 जो वार्ड है, काफ़ी पॉपुलेशन है वहाँ में, आज भी ऐसा है कि पानी की समस्या बहुत है। अगर सोचिए 100 लीटर पानी अगर वहाँ में आपका सप्लाई होता है, तो घर में पहुँचता है मुश्किल से 50 या 60। ये जो बाकी जो पानी है वेस्टेज होता है, क्योंकि पाइप लीकेज है। तो हम लोग काफ़ी बार डिमांड कर चुके हैं कि भैया कम से कम रिप्लेस तो किया जाए, लेकिन करता नहीं। अभी 2 दिन पहले ऐसा हुआ कि कुछ लोग मेरे पास आए थे, अजय प्रधान मेरे पास कुछ भी काम है, पब्लिक आते हैं, तो मैंने क्या अगर क्या डिमांड था, उनका पानी का प्रॉब्लम था, कोई जो पाइप लेइंग करना था, तो मैंने क्या करा आपका JE को फ़ोन करा, क्योंकि हम लोग नीचे लेवल से बात करते हैं, तो मैंने 6 बार कॉल करा उनको, लेकिन JE की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो उसके बाद दूसरा दिन भी मैंने कॉल करा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और फर्स्ट एक तो JE सर यहाँ बैठते नहीं। सर जैसा आपने ये बात कही, मैंने काफ़ी लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि करीबन सर जब से यहाँ पर आए हैं 1-1.5 साल से उन्होंने उनका शकल ही नहीं देखा। नहीं, बहुत से लोग जो आज ही बोल रहे हैं कि JE ये कर, क्योंकि पहले जो भी JE था कम से कम आपका 12 बजे तक बैठता था, उसके बाद में फील्ड में काम रहता, फिर अब सेक्शन में जाना पड़ता, डिवीज़न में जाना पड़ता। लेकिन ये JE आने के बाद हम लोग ग्राम सभा में बोले, फिर 4-5 बार हम लोग रिक्वेस्ट भी करें कि भैया आप 1-2 घंटा यहाँ बैठिए, पब्लिक का प्रॉब्लम सॉल्व करिए, हम लोग भी रहेंगे, हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। लेकिन वो तो ना तो फ़ोन उठाता, ना कोई रिस्पॉन्स देता। तो आज लोग इतना मतलब अग्रेसिव हो गए हैं, क्योंकि हम देखिए एक जनता का प्रतिनिधि, लोग आम जवाब दे ही पड़ता है। क्योंकि अभी जैसे बहुत से लोग ऐसा है कि बोलते JE को जानते नहीं, क्योंकि JE आते नहीं, जानते नहीं। तो मेरा पास जब आता है, हम जब पब्लिक के डिमांड को लेकर इनको बोलने मांगता है, तो इन लोग सुनते नहीं, फ़ोन उठाते नहीं। तो इसकी वजह से आज अभी ये सर भी आया। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, कल हमने सुबह 10 बजे इनको इन्फॉर्म किया था कि कल हम लोग एक प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि जनता का प्रतिनिधि का हमें कोई अहमियत देता नहीं। उसके बावजूद पुलिस डिपार्टमेंट को मैंने फ़ोन करा, तो SHO साहब ने कल 3 बजे ये सबको बताया कि कल वहाँ पर एक छोटा सा प्रोटेस्ट होने वाला है, थोड़ा आप लोग देख लीजिए। उसके बावजूद आज हम लोग 9 बजे से सारे लोग यहाँ पर आके खड़े हैं, लेकिन ये सबको कोई आता पता नहीं। पूछने से ये बोलता है कि सर मीटिंग में, और हम लोग तो ऐसा लगता है जब भी जाइए खाली मीटिंग, इस बार कुछ होता नहीं। उसके बावजूद हम लोग थोड़ा सा ये कर रहे, तो अभी आज 12 बज गए, अभी ये सब ने आया आके कुछ कुछ आश्वासन तो दे के गए, तो हम लोग देखते हैं अभी आश्वासन में कहाँ तक ये पूरा होता है। नहीं होता तो हम लोग इसको लेके थोड़ा ऊपर लेवल में जाके एक बार हम लोग करस्पॉन्डेंस करेंगे, और नहीं होता तो ये आज जो हम लोग छोटा सा एक जो प्रोटेस्ट करा है, तो हम लोग सोचते हैं कि फ्यूचर में देखिए इसमें क्या होता है, पब्लिक का परेशानी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन पब्लिक का परेशानी को सॉल्व करने के लिए हम लोग कभी कभी इसमें रोड में उतरना पड़ता। अगर ये चीज़ अभी सॉल्व नहीं हुआ,
कुछ टाइम बॉन्ड के अंदर सॉल्व नहीं हुआ तो हम लोग एक बड़ा लेवल में हम लोग प्रोटेस्ट, हम लोग एटीआर जाम करेंगे, वो बाकायदा मतलब कानूनी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। सर अभी जो ई साहब आए थे वो वर्बली बताए कि रिटर्न में कुछ लिख कर देंगे, कोई लिखित में कुछ नहीं दिया, क्योंकि लिखित में भी पहले भी एक दो बार जो हमारा जो रोड का जो प्रॉब्लम था आपका तिरूर का रोड आप देखे होंगे वो समय बहुत बड़ा स्ट्राइक हुआ था, उस समय के जो ई वगैरह थे उन लोग लिखित में भी दिया, देने के बावजूद आज भी रोड का वही हाल है। तो हम लोग देखिए लिखित में भी इनके बात का कोई हम लोग अहमियत रखता नहीं, तो हम लोग कोशिश करते हैं अभी इन लोग देख थोड़ा दिन हम लोग वेट करेंगे, अभी आपका फरवरी खत्म हो गया, मार्च शुरू होता है, अप्रैल महीने तक देखेंगे, नहीं हुआ तो हम लोग LGCS से जाके हम लोग लेटर वगैरह देंगे, उसके बाद में बहुत बड़ा एक आंदोलन होगा, वो चाहे वो जेल भरो आंदोलन भी क्यों ना हो तो हम लोग करने का तैयार, कि मेरा एरिया का जितना भी प्रॉब्लम है पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की तरफ से वो सब सॉल्व होना है। सर एक सीधी सी बात है सर, देखिए आप एक आप यहाँ के प्रधान हैं, अगर यहाँ पर कुछ भी होगा तो लोग आकर जो है आपको बताएंगे, आपको कोसेंगे, और जब आप ही इनकी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, उच्च पद के अधिकारी है, वो लोग ही काम करने के लायक नहीं है। सर पहला बात तो देखिए अभी सारा जय में देखिए अभी जैसा यही यही ही है, कहीं कहीं उन लोग जी द्वारा जाते हैं, साइड सुपरविजन वगैरह करते हैं, लेकिन मैं काफ़ी सालों से देखता है या मैं जय कभी आके बैठ गया तो बैठ गया ये आता, लेकिन ये सब कभी आता नहीं। देखिए एक उनका सुपीरियर जब आएगा, आज जैसा आया कि उन लोग यही को डायरेक्शन दिया, जय को डायरेक्शन दिया कि भैया तुम ये काम ऐसा करो, तो कभी कभार आएगा तो इनको भी थोड़ा सा ये होगा, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम ही हमारे यहाँ के लोग हैं जो ई को देखा है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से मेरा रिक्वेस्ट है कि कम से कम सप्ताह 10 दिन में एक बार ये सब यहाँ पर आइए, पूरा टीम आके यहाँ पर जो जो काम है, क्योंकि उन लोग आके जाएगा तो थोड़ा सा नीचे लेवल के जो ऑफिसर वो भी थोड़ा डर के काम तो करे, अब जब कोई आते ही नहीं तो उन लोग अपना मनमानी करता है यहाँ पर। लेकिन सैलरी सबको बराबर प्राप्त होती है, बराबर चलता है, बाकी सब कुछ बराबर होता है, लेकिन जो हम लोग जो बेसिक फैसिलिटीज जो मिलना है वो उसका कमी, विकास हो या हो ना, मतलब हो ना हो, लेकिन उनका उनका जो है रवैया यही रहेगा, वो बराबर रहता है। और इसके पहले भी हम लोग 2-3 बार जब स्ट्राइक धरना वगैरह करे थे, आपको नीचे एक जगह है वहाँ में जो तिरूर से जो पानी जो लेंगे पाइपलाइन आके वहाँ में एक आपका टैंकी बनाया हुआ, वो करीब अभी 4 साल हो चुका है, उसमें छोटा सा कुछ आपका मैकेनिकल प्रॉब्लम है, तो हम लोग ने ये करा कि अभी देखिए हमारा सोर्स एक आपका सोनापर डैम है, अगर तिरूर से ही पानी आएगा तो 2-3 महीने का पानी वो भी हम लोग होएगा, लेकिन वो हमें छोटा सा कुछ काम की वजह से आज तक वो टैंकी बन के हमारा पब्लिक मनी को वेस्ट करके रखे है, लेकिन उससे पानी यहाँ तक आता नहीं। और एक चीज़ है, हमारे यहाँ पर एक आपकी स्टील टैंकी है, 7 लाख लीटर का टैंकी है, वो करीब आपका 5-6 साल से ऊपर हो चुका है, तो वो जो बनाया उसमें टेक्निकली उनका कुछ प्रॉब्लम हो चुका था, हम लोग 4-5 बार उसको लेके हम लोग ई जो हमारे ENM का ई है सबको लेके रिक्वेस्ट करें सब कुछ करें, लेकिन अभी मेरे को सुनने में आया कि लोग बोल रहे हैं कि अभी 1 महीना पहले उसका मतलब काम शुरू हो गया, लेकिन 6 साल से वही बंद पड़ा था, मतलब कुछ छोटा छोटा चीज़ जो है डिपार्टमेंट इतना नज़रअंदाज जो करता है उसके वजह से हमारे जो लोग हैं आज यहाँ पर सड़क पर उतरे हैं। तो हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति भी है जो यहाँ के निवासी है, आइए हम उनसे जानते हैं। बोलिए। बात ऐसा है कि हमें पब्लिक को पानी का हमेशा तकलीफ रहता, तो हम जमीन दिया वहाँ गवर्नमेंट को भी अपना जमीन भी, ये यहाँ चेक डैम बनेगा तो पानी सबको मिलेगा, हमको भी वाले के लिए आपने जो है हम अपना जमीन दिया कि वहाँ चेक डैम बना के पब्लिक को पानी दें, पर वो कोई काम होता नहीं। तो आपको क्या लगता है अभी यहाँ पर जो इतने लोग एकत्रित हुए, देखिए कहीं ना कहीं सबको समस्या है, लेकिन अभी जो यहाँ पर जय सर यहाँ पर जो नहीं रहते लेकिन यही सर अभी यहाँ पर आकर गए, आपको क्या लगता है कि काम कुछ होगा कि बस सिर्फ आते रहेंगे और जाते रहेंगे? अपना पब्लिक के बारे सोच है, फिर पानी इनको मिले जितना जल्दी या करें, पर ये होने आने का नहीं है, एक जई आएगा दूसरा बदली हो जाएगा, फिर बोल देंगे वो हम जानता ही नहीं, यही है वो चलता। हम ही पंचायत में रहा 10 साल पहले, हम पब्लिक का दुख जानता है, उसको सब हल करने वाला कोई नहीं है। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।